चार और तीन के। सो चार और तीन का मल्टीपल 12 होगा, और 12 के ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है? इनको हम बोलेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हम पहली एक्सरसाइज करेंगे ये वाली लेवल 5 पे, FM मतलब फैक्टर्स एंड मल्टीपल, FM 5 1। ये लास्ट क्लास में मैंने कहा था आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो FM 1 कैसे आपको मिलेगा, जब आप ई स्कूल ट्यूब पे जाओगे, मैं दिखा लेता हूँ एक बारी ई स्कूल ट्यूब पे, जो आपका ये लर्निंग मटेरियल है इसको क्लिक करोगे, फिर मैथ को क्लिक करोगे, और मैथ के बाद यहाँ अलग अलग टॉपिक है, यहाँ आप देखते हो ये आपके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, इसको क्लिक कर लेना, ठीक है? तो इस टॉपिक के आपको तीन चीजें, अभी तो एक ही चीज दिख रही है एक्सरसाइज, बाद में अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्यूटोरियल्स बना रहा हूं, तो आप छोटी ट्यूटोरियल्स मतलब छोटी छोटी वीडियोस वो देख सकते हो, और वर्कशीट्स भी देख कर सकते हो। अभी तो फिलहाल के लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो एक्सरसाइजेस में हम लेवल 5 पे FM 1 देखते हैं, फैक्टर पेयर्स। फैक्टर पेयर, पेयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर, PAIR। सर किसी की चीज का गुच्छा। हाँ, गुच्छा नहीं, जोड़ा, यानी कि उसके अंदर दो ही होंगे। गुच्छे को तो हम ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सर दो, उसमें अगर जोड़ा होगा, अगर दो दो पीस होंगे, जैसे जुराब का जोड़ा, सो हम बोलते हैं पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स, क्योंकि सॉक्स के जोड़ा होता है। इसी तरह हम एक्सरसाइज करेंगे फैक्टर पेयर्स, फैक्टर्स का जोड़ा। तो ये वन फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं, और इस पे देखते हैं कुछ क्या एक्सरसाइजेस बनाई है खान एकेडमी ने। फैक्टर पेयर्स, अब ये कह रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का, कौन बताएगा? ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया 21 सेंटीमीटर, 21 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है? फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दे आपको दिए गए चार ऑप्शन है, उनमें से कौन से ऑप्शंस, कौन से आंसर कुड बी रेक्टेंगल्स लेंथ एंड विड्थ। इनमें से रेक्टेंगल क्या, लेंथ और विड्थ, कौन कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है, कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, बताओ? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होगा? ये मान लो सर रेक्टेंगल बराबर होता है एंगल्स। क्या बराबर होता एरिया है? एंगल तो पूछा ही नहीं, मैं कह रहा हूं एरिया। क्षेत्रफल क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया किसके बराबर होता है, बोलो सेंटीमीटर बोलो नीलेश। जो मैंने सवाल पूछा है वो उसका जवाब दो। यस सर नहीं फर्स्ट बोला कर। हाँ? एंड
मैंने अभी क्या पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? शाबाश। माइक ऑन रखो। बताओ। बताओ रमित। सुमित चलो तुम बताओ। सर सेंटीमीटर नहीं, एरिया क्या होता है? एरिया एरिया क्षेत्रफल। हाँ वो क्षेत्रफल क्या होता है, किसके बराबर होता है? यह तो पढ़ा था हमने सर एक्स। एक्स क्या मतलब? एक्स क्या मतलब? अगर मैं एक एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। ए बी इज इक्वल टू सी डी इस पिक्चर में सर। और ए ए डी बी सी के बराबर है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस रेक्टेंगल का अगर मुझे क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है कि जो बीच की जगह है, जैसे अगर मैं इसके बीच की जगह को मैं अगर कलर करूं, ये मैं कलर कर रहा हूं, तो कितनी जगह मैं घेर लूंगा उसको हम एरिया बोलते हैं या क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये क्षेत्रफल जो है ये कैसे कैलकुलेट होगा? भूल गए क्या? ये भूलना थोड़ी ना, ये तो बुनियादी चीजें, इनको याद रखना है हमेशा के लिए। किसी भी रेक्टेंगल का हमने देखा था कि जो जैसे ये लंबाई है, अगर इस लंबाई को मैं बार बार जोड़ूं, जैसे ये जोड़ूं फिर ये जोड़ूं फिर ये जोड़ूं फिर, तो ये पूरा कलर हो जाएगा। तो मैं इस लंबाई को कितनी बारी जोड़ रहा हूं? अगर अगर आप ध्यान से देखोगे इस लंबाई को, पहले जैसे ये फिर ये दो तीन चार, वो तो अभी आपको चार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कितनी बारी जोड़ा मैंने इसको? सर पांच बार। नहीं पांच बारी तो क्योंकि मैं एक मोटी लाइन खींची, अगर अब मैं खींचूंगा तो कितनी बारी हो जाएगा? अब तो ज्यादा बारी हो जाएगा क्योंकि लाइन पतली है। इसका मतलब है जितनी इसकी चौड़ाई है, ये जो इसकी चौड़ाई है, उतनी बारी अगर मैं इसको, और ये इसकी लंबाई है, इस लंबाई को मैं बार बार जोड़ूं, कितनी बारी जोड़ूं? जितनी बार बारी जितना उसका चौड़ाई होगा। तो बार बार जोड़ने को हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो हम इस लंबाई को चौड़ाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को वो इसका एरिया मिलेगा। समझ गए? अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो 21 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 21 सेंटीमीटर का उसका एरिया है। 21 सेंटीमीटर नहीं, 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसका ये कह रहा है लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी,
इन चार ऑप्शंस में आपको चूज ऑल आंसर्स, जो भी आपको ठीक लग रहे हैं वो सिलेक्ट करने हैं। अगर अगर आपको मालूम है कि एरिया जो है वो लंबाई मल्टीप्लाइड बाई चौड़ाई है, यानी कि जब हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया तो हमारे को इसका मतलब है एरिया जो हो रेक्टेंगल का वो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीपल है, और लंबाई अच्छा और चौड़ाई एरिया के फैक्टर्स हैं। सर, सी सर, क्यों सी क्यों? सर वो हम वो 3 को सर 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21। हाँ, तो 3 और 7 तो हो सकते हैं, क्योंकि जब हम 3 सेंटीमीटर को 7 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो वो हमारे को 21 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, वही उसका एरिया दिया हुआ है। और कोई देखो, और भी कोई हो सकता है? सर ए ए ए भी हो सकता है, क्योंकि अगर 21 सेंटीमीटर लंबाई है और सर 1 ही सेंटीमीटर चौड़ाई है, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 21 बन जाएगा। अगर ये मेरे पास लंबा ऐसे 21 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये 21 है ये 1 है, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ये मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ए भी हो सर सकता है और और बी सी सी भी हो सकता है, यही सवाल था। और हमें इससे ये पता चला जो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो अगर एरिया है तो वो 7 और 3 का मल्टीपल भी है और 1 और 21 का भी मल्टीपल है। तो ये 21 जो है ये हमारा मल्टीपल है और ये दोनों उसके फैक्टर्स है। ठीक है, अब कह रहा है टाइलर इज क्लीनिंग अप हिज 36 टॉय कार्स। टाइलर अपने 36 टॉय कार्स जो है उनको क्लीन कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू पुट एवरी कार इन अ टॉय बिन। अब उसके पास बिन है, ऐसे मान लो कंटेनर है, ऐसे डब्बे हैं, एक बिन दूसरा बिन तीसरा बिन, और उसके पास टोटल कितनी टॉयज हैं? 36 है, उन ठीक 36 को इसने टॉय बिन्स में डालना है। और ये क्या चाह रहा है? एंड ही वॉन्ट्स ईच बिन है, टू हैव द सेम नंबर ऑफ कार्स, दोबारा कि हर हर बिन 24, में दोबारा 24 करते सेम कार्स हो। तो अब उसके फैक्टर पेयर निकालो। अब हैं। यहां पे आपको यहां पे नंबर फिल करने हैं। दो 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 3 4, 7 8, दो को दो को क्या कर रहे हो? दो का अगर टेबल कर रहे हो तो 36 को 2 से डिवाइड कर लो, उल्टा भी तो कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि 2 को मैं क्या गुना करूं कि वो 36 मिल जाए, तो ये ढूंढने के लिए आप इस 36 को 2 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा आपका। तो कितना होना चाहिए हमें बताओ? सर सर 18। हाँ, तो यहाँ पे होगा 18 हाँ नहीं था और यहाँ पे सर 3। 12 36। वेरी गुड। और यहाँ पे सर 6 का आता है, 6 तो आ गया।
सर नौ 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 चुके 36। तो ये जो ये सारे हैं ये क्या है, एक और 36 क्या है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 36 मिलेगा। दो और 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से 36 मिलेगा। ऐसे जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमें 36 मिल रहा है, हर बारी 36 मिल रहा है। सो अगर 36 हमारा मल्टीपल है तो ये दो क्या है सर, फैक्टर। ये फैक्टर्स हैं, दो है ना, इसलिए एस भी लगाएंगे हम, बोलेंगे दीज टू आर फैक्टर्स, एफ ए सी टी ओ आर एस, फैक्टर्स। एक से ज्यादा है इसलिए एस भी लगाया। तो ये दोनों किसके फैक्टर्स हैं, 36 के। तो क्योंकि ये दो दो हैं इसलिए हम इनको बोलेंगे फैक्टर पेयर, फैक्टर पेयर, फैक्टर पेयर। पेयर होता है जोड़ा। अब फिर से कह रहा है कंप्लीट द टेबल टू फाइंड ऑल फैक्टर पेयर्स ऑफ 30। सर इधर 15 आएगा, किधर ऊपर 15 और 30 कह रहे हो, यहाँ पे 15 नहीं, यहाँ तो 1 आएगा। क्योंकि 1 और 30, 1 एंड 30, 30 के फैक्टर्स होंगे। तो फर्स्ट फैक्टर 1 है, सेकंड फैक्टर 30 है, फर्स्ट फिर 2 है, ये 15 है, ये 3 है, और ये क्या होगा, 10। ये 10 होगा। और लास्ट वाला 6 5 30 4 कैसे होगा, 6 4 24, हमको तो 30 चाहिए ना सर। तुम्हारा कंप्लीट टेबल, कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करो टू फाइंड ऑल द फैक्टर पेयर्स ऑफ 30। समझ में आया, समझ आए? यस सर। अब फिर से वैसा ही सवाल है, अब फिर से कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसमें कौन से आंसर 3 5 15 लेंथ और विड्थ होगा सर? सी और ए सर, ए और फोर बी और सात नहीं चौदह नहीं, यही दो है बस, यही दो है। क्योंकि 7 2 14 होता है और 4 6 16 होता है, दैट मींस ये वाला और ये वाला गलत, ये फैक्टर्स नहीं होंगे। और ये फैक्टर्स, ये लंबाई और चौड़ाई हो सकती है, क्योंकि अगर एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को वो एरिया मिलेगा। यस सर, ठीक है। हमारे को पहले एरिया दिया हुआ है और फिर बता रहा है कि लेंथ और विड्थ बताओ कौन सा होगा। तो आपने कहा ए हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। अब बताओ, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, 49 की क्या फाइंड ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर पेयर ऑफ और 20 सर ए और सर ई और जा रहा नहीं और तो नहीं कोई होगा तेरे को तेरे तेरे तुम चाहते क्या निकाले तेज का तेज तेज का तेज तेज
और तो नहीं लग रहा, क्योंकि दो को तेईस से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 46 हो गया, ये तो 39 हो गया, और ये तो 44 हो गया। इसका मतलब ये तीन तो फैक्टर पेयर नहीं है 49 के। सो ए और ई, ए एंड ई, दोबारा टेबल, हाँ दोबारा टेबल है, और आपको 24 फ्रेंड्स है। 24 के हमें फैक्टर पेयर निकालने, 24 12 12 2 सर 8 के नीचे तो सर 6 आएगा, और सब 12 आएगा दो के बगल, दो के, दो का बगल नहीं, बोलो बोलो, दो का दूसरा फैक्टर, यस सर, 12 होगा, 12 कम 12 12 दो 24 8 कम 8 8 16 8 24 चल इधर 3, इधर 3 होगा, तो ये आपके फैक्टर पेयर्स बन गए 24 × 1 12 × 2 3 × 8 4 × 6 हर केस में आपका जो मल्टीपल है वो 24 मिल रहा है। यस सर, ठीक है, यस सर, 24 के ये दोनों क्या है, फैक्टर्स, फैक्टर्स हैं, और क्योंकि दो है जोड़ा है इसलिए हम बोलेंगे फैक्टर पेयर। हाँ वेरी गुड, फैक्टर पेयर, ये वर्ड लिखना चाहिए, जैसे पेयर अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको कॉपी में लिखना चाहिए, और इसका आगे हिंदी में मीनिंग भी लिखना चाहिए, जोड़ा। तो आस्ते आस्ते इसी प्रकार से इंग्लिश भी और इम्प्रूव हो जाएगी। फिर से कंप्लीट द टेबल टू फाइंड फैक्टर पेयर्स ऑफ 50। सर ऊपर एक आएगा, सर ऊपर तो एक, अच्छा नेक्स्ट, और सर इधर नहीं दो, और नेक्स्ट नीचे 5, हाँ 5, 5 इंटू 5 तो 25 होता है, अगर यहाँ 5 लिखोगे सर 10, हाँ यस सर 10, ये सोचना है 10, तो ये आपका कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज थी ये, वो सर एफ एफ मतलब फैक्टर एंड मल्टीपल, इसलिए दोनों एफ एम लिख दिया मैंने, क्योंकि जब हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पढ़ेंगे उसमें भी एफ आता है, तो इसलिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल का क्या नाम, छोटा नाम रखा एफ एम, एफ एम, और लेवल 5 पढ़ रहे हम तो एफ एम 5 का फर्स्ट हमने पढ़ लिया। अब सेकंड है, सेकंड कह रहा है आइडेंटिफाई फैक्टर्स, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्या होता है, ढूंढना या पहचानना, पहचानना, यस सर, हाँ पहचान, पहचान होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी जैसे हम बोलते हैं नहीं आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड दिखाओ, हाँ वो उसी, वो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आइडेंटिटी का मतलब पहचान पत्र, आइडेंटिफाई हो गया पहचान करना, ये वर्ब है वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई क्या करने है, फैक्टर्स, फैक्टर्स को पहचानना है, ये एफ एम, एफ एम 5 2, सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपने। ये तो बहुत इजी है,
इसमें से हमने तीन को चल सात दो सवाल क्या था चल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 49 49 को 49 बोलो इंग्लिश में सो पूरा सेंटेंस जब इंग्लिश में आपने पढ़ा बहुत अच्छी तरह पढ़ा तो इसको इसको भी तो इंग्लिश में ही पढ़ो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए फैक्टर ऑफ 49 तो कौन सा है फैक्टर सात वो सेवन वेरी गुड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो लिस्ट लिस्ट मतलब एक लिस्ट बनाना यस सर लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56 56 अब कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है ए बी सी देखो पहला तो पहला ये और ये तो दिख रहा है ये भी दिख रहा है लेकिन 112 तो 56 से भी बड़ा हो गया इसलिए वो तो फैक्टर नहीं होगा इसलिए इसको हम गलत फिर बी को देखो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था ये तो इवन नंबर है तो इस 56 का 7 तो नहीं हो सकता है फैक्टर सेवन एट जो फिफ्टी सेवन तो होगा 7 × 8 तो 56 होता है 7 भी होगा 8 भी होगा 14 भी होगा 28 भी होगा 56 भी होगा यस सर बी क्योंकि देखो ए को तो हमने क्रॉस किया सी में मेरे को दिख रहा है ये जो 3 दिख रहा है क्या 56 3 से डिविजिबल है 3 का रूल याद है अगर हमने देखना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है उसका क्या रूल है याद है या भूल गए कोई नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड अगर होगा या नहीं होगा उसका रूल है कि इन दो नंबर को हम आपस में जोड़ते हैं सर नहीं और, पांच और छह 11 तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब 56 भी नहीं होगा और अगर 3 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा इसका मतलब है 3 फैक्टर नहीं है इसका मतलब ऑप्शन सी को भी हम मिटा देते हैं तो फिर क्या बच गया ऑप्शन बी बच पढ़ो चल विच इक्वल सो इक्वेशन सो डेट 6 इज ए फैक्टर ऑफ 18 कौन सा इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन इक्वेशन ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगा तभी तो हम बीच में इक्वल लगा सकते हैं अब आपके पास 4 ऑप्शन है इसमें से कह रहा है कौन सा ऑप्शन दिखाता है शोज सी बारे कम्बा हाँ यस ये सी नहीं सर सी तो इक्वेशन ही गलत दिखाई है इन्होंने जानबूझ को आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखा दिया कि 12 × 18 सर डी 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 18 × 3 6 के बराबर होता है नहीं 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 सर 18 को जब आप 3 से गुना करोगे वो कितना होगा वो तो 54 हो जाएगा 54 इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है सर, ये भी सर ए ए लेकिन
फैक्टर कहाँ पता चल रहा है, ये तो कौन सा ऑपरेशन है, सब तो माइनस का है, सब बी ये ए ऑप्शन तो इक्वेशन तो सही है कि 18 24 माइनस 6 के बराबर तो होता है, लेकिन ये हमें थोड़ी ना बता रहा है कि 6 इसका फैक्टर है। फैक्टर तभी बता सकते हैं अगर वो आप उसमें मल्टीप्लाई हो, तो ये भी नहीं है। सब बी, बी भी नहीं हो सकता, फिर बी हो सकता है, क्यों हो सकता है, अब मैं बताता हूं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6। इसमें हमने हमने यानी आपने एलजेब्रा 3 जो है वो 18 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो 3 6 18। हाँ देखो अभी मैं इसको अगर पूरा डिवाइड करूं, ये 18 है, 18 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 6 या 18 और रिमाइंडर 0, इसका मतलब है जो ये 6 और 3 है ये आप उसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 18 आंसर आएगा। डिवीजन, जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आता, 0 आता है वो मतलब पूरा मतलब होता है, हाँ पूरा डिवाइड होता है। जब रिमाइंडर 0 आ गया उसका मतलब ये है कि जिससे मैंने डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया और 3 आंसर आया, तो ये दोनों इस 18 के फैक्टर्स होंगे, तो आंसर बी करेक्ट है। ये गलत है, ये तो इक्वेशन ठीक है लेकिन ये नहीं दिखाता है कि वो फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का ऑपरेशन है, और ये तो इक्वेशन ही गलत है, ये भी गलत है इक्वेशन। सो आंसर क्या होगा, बी। ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 63। एट कैसे होएगा, 8 8 64 8 8 64 होता है, 8 नीम, तो इसका मतलब है 8 नहीं होगा, 8 नीम 72 होता है। सर से बिट कह रहा था 8, 8 कैसे होगा जब इस, अगर 63 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो पूरा 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 डिवाइड तो होगा ही नहीं सर, सीधे ही पता पड़ रहा है 8 8 64। हाँ तो इसका मतलब है अगर चलो 8 से कम, 8 को 7 से करेंगे तो 56, तो सर 6। हाँ तो लेकिन बैलेंस तो इसमें तो रिमाइंडर 0 नहीं रहा ना, इसका मतलब है ये फैक्टर नहीं है सर, रिमाइंडर सर 6 करो, 63 को 6 से डिवाइड करो, पूरा पूरा हो जाएगा। छ को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा और रिमाइंडर 3 बच जाएगा, इसमें भी 0 नहीं बचा, इसका मतलब 6 भी नहीं है। दो से कैसे होगा, 63 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, फिर इस 3 को नीचे लाया, 2 1 2, रिमाइंडर 1, तो 2 भी नहीं होगा, 3 करेक्ट है, क्योंकि देखो 3 से आप करो, अभी हमने रूल देखा जब हम कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, हमने क्या देखा कि वो पूरा पूरा डिवाइड कब होता है, जब इन दो नंबर का अगर हम आपस में जोड़ें, 6 और 3 9 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है 63 भी होगा। देखो आप करके देखो, लॉन्ग डिवीजन से देखो, 3 से 3 2 6, इस 3 को नीचे लाया, 3 1 3, दैट मींस 3 को अगर हम 21 से गुणा करेंगे
थ्री को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 63 बन जाएगा. दैट मीन्स 3 भी फैक्टर है और 21 भी फैक्टर है. तो इसमें आंसर होगा तो ये एक्सरसाइज हमने कर ली. अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये आपको खुद करनी है. ठीक ठीक है. होमवर्क होमवर्क है, ट्राई कोशिश करो, ट्राई एक्सरसाइज FM5-3. ओके. और इनमें से कुछ कोई क्वेश्चन आप मेरे को एंड डू द एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक. अपनी कॉपी में एक्सरसाइज करके दिखाओ मेरे को एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप. मेरे को करके भेजना, मैं देखूंगा कौन करके भेजेगा. ओके चलो. ओके बाय. अभी आपके पास टाइम है, आप 4 से 5 अगर पढ़ते हो अभी 20 मिनट है. 20 मिनट में आराम से ये वाली एक्सरसाइज जितनी भी हो सकती है उतनी कॉपी में करके मेरे को व्हाट्सएप करो. यस, मैं वेट कर रहा हूँ. ओके बाय. ओके धन्यवाद सर. बाय बाय सर. दोबारा आ गया. ए बड़ा ओके बड़ा ओके बड़ा दिखा मम्मी. ये दोबारा आ गया. कहा तो ये दोबारा आ गया. हेलो.